नमस्ते एवरी वन एंड वेलकम बैक टू माई चैनल कैसे हैं आप सब आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल आज के वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी एक रेड uh, या फिर मैं कहूँ रेड मरून मेकअप लुक बहुत ही फेस्टिव लुक आएगा एंड आई रियली पर्सनली लव्ड इट मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा बट बिफोर दैट

ये जो जैकलिन हिल का पैलेट है वहाँ से मैं ये ब्लैक शेड लूँगी एंड अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी विथ अ एंगुलर ब्रश ये मैंने जो ब्रश सेट है वो मैंने मीशो से लिया था ओके सो अच्छी तरह फिल करने के बाद मैं स्पूली की हेल्प से उसे थोड़ा सा सेट कर दूँगी ताकि एक नेचुरल सा लुक आए नेक्स्ट मैं यहाँ पे रोज मलबेरी जेल यूज़ करूँगी अपने आईज पे अच्छी तरह मॉइस्चराइज एंड प्राइम करने के लिए ताकि हम स्टार्ट कर सकें विद द आई मेकअप अच्छी तरह मसाज कर लीजिए आईब्रोज़ के ऊपर एंड पर्टिकुलरली अराउंड द आइज़ एरिया आपको अच्छी तरह मसाज कर लेना है नेक्स्ट वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद आर मेकअप यहाँ पर मैं अप्लाई करूँगी एन का कंसीलर माई वन इज कैराम प्रेजिल कंसीलर को अप्लाई करने के बाद uh, अच्छी तरह मैं ब्रश से उसे स्प्रेड कर दूंगी ये एन वाई बी का कंसीलर है मैं बहुत दिन उसे इसे यूज़ कर रही हूँ एंड uh, आपका बहुत दिन चलेगा भी ठीक है सो आई वुड हाईली रिकमेंड यू एंड आप अपने हिसाब से शेड uh, भी पसंद कर सकते हैं बहुत सारे शेड्स अवेलेबल हैं और बहुत ही ज़्यादा अफोर्डेबल रेंज में है आई थिंक विद इन टू हंड्रेड आपको मिल जाएगा लाइक वन सिक्सटी नाइन वन सेवेंटी में आपको मिल जाएगा ब्रश की हेल्प से मैं इसे एक फ्लैट ब्रश की हेल्प से थोड़ा सा इसे स्प्रेड कर लूँगी ताकि मैं बहुत इजीली से ब्लेंड कर सकूँ फिर मैं वेट ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से अच्छी तरह से ब्लेंड कर लूँगी ठीक है एंड वंस आई एम डन आई विल स्टार्ट विथ माई आई मेकअप मैं बिल्कुल भी इसे सेट नहीं करूँगी लाइक विथ एनी काइंड ऑफ पाउडर ताकि मुझे मैक्सिमम से मैक्सिमम लाइक पिगमेंटेशन मिले यहाँ पर मैं यहाँ पे रेड शेड यूज़ कर रही हूँ फ्रॉम जैकलिन हिल पैलेट ये वाला एक शेडर ब्रश है उसी मीशो मीशो uh, से मैंने जो ब्रश सेट लिया था उसी में से मैं यह, यहाँ पे एक सॉरी दिस वाज नॉट फ्रॉम मीशो आई थिंक दिस वाज फ्रॉम अमेजन ठीक है एंड उसी शेडर ब्रश के हेल्प से मैं रेड शेड को अप्लाई करूँगी

यहाँ पे बिल्कुल अपने कॉर्नर्स ऑफ़ माय आईज आउटर कॉर्नर ऑफ़ माय आई में मैं बिल्कुल आ, उसी शेडर ब्रश के हेल्प से पॉइंट कर लूँगी ब्लैक शेड एंड तब तक अप्लाई करूँगी जब तक ना मुझे आ, अच्छी तरह एक अच्छा सा पिगमेंटेशन मुझे मिल जाए ठीक है आप देख सकते हैं मैं थोड़ा थोड़ा अप्लाई करूँगी एंड देन एम गोइंग टू ब्लेंड इट विथ द ब्राउन शेड दैट्स ऑल आई डिड अगर आप चाहो तो आप ब्राउन शेड को स्किप भी कर सकते हैं यहाँ पर मैं एक रोज गोल्ड नॉट एग्जैक्टली रोज गोल्ड एक ग्रेस सा शेड है पिंकिश ग्रेइश सा शेड है उसे अप्लाई करूँगी विद द हेल्प ऑफ माई फिंगर्स बट लेटर ऑन मैं थोड़ा सा इसको चेंज करूँगी बट अगर आपके पास जैसा मैंने कहा कि ग्लेटर्स अगर है तो ऑबियसली आप यहाँ पे ग्लेटर अप्लाई कर लीजिए इसी शेड का बट मेरे पास था एंड आई वॉन्टेड टू अप्लाई समेटर सो आई चेंज इट टू रोज़ गोल्ड शेड ओके एनी वेज बट दिस शेड वॉज ऑल्सो आई थिंक गोइंग मच बेटर दैन रोज गोल्ड विद दिस मेकअप बट मेरे पास था नहीं लूज शिमरी काइंड ऑफ आई शेडो और शिमर्स नहीं था मेरे पास तो so आप यहाँ पर देख सकते हैं मैंने थोड़ा सा कलर को चेंज कर दिया एंड आई एम अप्लाइंग रोज़ गोल्ड शेड ये लूज पाउडर uh, है ठीक है तो इससे आपको फिनिशिंग बहुत अच्छा मिलेगा ये मैंने लिया था आई थिंक एमज़ोन से इनसाइट का है ट्वेल्व नंबर शेड है टस्कनी ओके शेड नो डाउट बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल है तो अभी मैं क्या कर रही हूँ अपने फेस को मैं अच्छी तरह क्लिन क्लीन आउट करूँगी ताकि मैं फ़ेस मेकअप कर सकूँ ओके तो फेस मेकअप स्टार्ट करने से पहले वही रोज़ मलबेरी जो जेल है उसे अप्लाई करूँगी एज अ प्राइमर एंड अच्छी तरह अपने फेस को मसाज कर लूँगी स्किन केयर ज़रूर कर लीजिए बिफोर स्टार्टिंग विथ योर मेकअप ठीक है आप कोई फेस पैक भी लगा सकते हैं बट ऑब्वियसली वीडियो बहुत लंबा हो जाता तो मैंने यहाँ पे कुछ दिखाया नहीं ठीक है एंड नाउ आई एम अप्लाइंग इज़ दिस इज़ वन ऑफ माय फेवरेट प्रोडक्ट्स दैट इज़ करेक्टर फ्रॉम एन वाई बे बहुत दिनों से मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और कोई भी ऐसा मेकअप नहीं है जिसमें मैंने ये वाला जो प्रोडक्ट है वो मैंने यूज़ नहीं किया है आप चेकआउट कर सकते हो ठीक है बहुत ही सही वाला प्रोडक्ट है और मुझे रिसेंटली मैंने देखा है कि फिंगर्स से ये इतनी अच्छी तरह ब्लेंड हो जाता है न कि uh, मैं और कुछ भी लाइक ब्रश या फिर ब्यूटी ब्लेंडर मैं कुछ भी यूज़ नहीं करती मैं डायरेक्टली अपने फिंगर्स की हेल्प से इसे अप्लाई करती हूँ एंड आई द बेस्ट रिजल्ट्स विथ इट एंड आपको एक बहुत ही स्मूथ uh, से एक फिनिश मिलता है ताकि इसके ऊपर आप कोई भी बेस मेकअप अप्लाई करो आपको बेस्ट रिजल्ट मिलेगा आई हैव अप्लाइड दिस इज फ्रॉम लैकमे फाउंडेशन ठीक है जो नाइन्टी रुपीज़ में मिलता है वही मैंने यूज़ किया है माई वॉन इज़ नेचुरल माई शेड इज़ नेचुरल और उसको मैं बिल्डअप करूँगी अपने फेस पे डॉट डॉट करके अप्लाई करके फिर मैं ब्यूटी ब्लेंडर की हेल्प से इसे पूरे फेस पे मैं अप्लाई करूँगी एंड ब्लेंड कर लीजिए अच्छी तरह फॉर एग्ज़ाम्पल अगर कोई ऐसा सिचुएशन आता है जहाँ आपके पास कंसीलर नहीं है तो आप क्या कर सकते हो फाउंडेशन को ही थोड़ा सा आप अच्छी तरह बिल्डअप कीजिए अपने फेस पे जहाँ जहाँ ज़रूरत है जहाँ जहाँ आपको थोड़ा सा और कंसीलिंग की ज़रूरत है या फिर अंडर आइज़ पे आपको थोड़ा सा अगर लाइक ब्राइटन ब्राइटनिंग इफेक्ट आपको चाहिए तो आप थोड़ा सा और अप्लाई कर लीजिए यू हैव टू इट यहाँ पे मैं वही कैरामल प्रजल अपने पूरे फेस पे यूज़ करूंगी जहाँ जहाँ मुझे कंसीलिंग एज वेल एज थोड़ा सा ब्राइटनिंग इफेक्ट चाहिए वहाँ अप्लाई करूँगी अराउंड माय माउथ एरिया फोर हेड अंडर माय आईज अच्छी तरह अप्लाई करूँगी एंड वंस अगेन आई एम गोइंग टू ब्लेंड इट प्रॉपरली ब्लेंडिंग एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है सो मेक श्योर कि आप अच्छी तरह प्रोडक्ट को ब्लेंड कर रहे हो ठीक है एंड ऑल द स्टेप्स आर शोन क्वाइट स्लोली तो आप यहाँ पर देख सकते हैं जल्दी जल्दी में मेकअप नहीं होता ठीक है अगर आप थोड़ा सा हैवी मेकअप कर रहे हो तो आपको थोड़ा सा वक्त देना होगा फाइनली मेकअप को हम अच्छी तरह सेट कर लेंगे विथ फेस पाउडर दिस इज़ फ्राम मेब्लिन एंड ये ऑलमोस्ट खत्म हो चुका है ठीक है माई शेड वॉज पर्ल एंड इट वेंट विथ माई लाइक मेकअप एंड नॉट मेकअप लाइक माई स्किन टोन वेरी नाइसली सो और आपको एक स्मूथ सा बेस भी मिल जाता है ठीक है इसके ऊपर आप कुछ भी अप्लाई करो तो हो जाता है ओके okay. uh, मैं यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ वही रेड शेड अंडर माई इन माई लोअर लैश लाइन ठीक है अप्लाई करूंगी अच्छी तरह एंड नेक्स्ट टाइम टू अप्लाई इज़ अ ब्राउन डार्क ब्राउन शेड उसको अप्लाई करूंगी एंड रेड uh, के ऊपर ही इसे ब्लेंड कर दूंगी ठीक है नेक्स्ट टाइम यूजिंग इज काजल फ्रॉम दिस इज मे कोलर्सल काजल ठीक है अच्छी तरह लोअर आई लैशेज एंड अपर आई लैशेज को लाइन कर लूंगी एंड आई एम गोइंग टू अप्लाई इट प्रॉपरली मैंने इसे पहले अप्लाई इसलिए नहीं किया क्योंकि मुझे काजल का लुक जो है वो मुझे समझ नहीं करना था ठीक है तो मैंने पहले आई लाइक आई शेडो अप्लाई कर लिया एंड देन आई एम अप्प्लाइंग दिस आई लैश फॉ आई लाश मैंने अपलाई कर लिया था ऑफ कैमरा एंड आई आई एम जस्ट अप्लाइंग लिटिल विंग लाइनर दो मुझे ये पहले दिखाना चाहिए था तो मुझे भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हुआ आई वुड हाईली रिकमेंड कि अगर आप फॉल्स आई लाशेज लाइक अगर आप लाइनर लुक चाहते हो एंड यू विल अप्लाई फॉल्स आई लाशेज़ आप पहले लाइनर को अप्लाई कर लो फिर आप फॉल्स आई लाश अप्लाई करो ठीक है तो आप उसके बाद अगर फिर से और एक कोट आप अप्लाई करोगे भी लाइक uh, like, आई लैश के बैंड को छुपाने के लिए तो वो पॉसिबल होगा कोई प्रॉब्लम नहीं होता ओके नेक्स्ट टाइम अप्लाइंग इज दिस इज़ रेड लेबल फ्रॉम दिस वॉज अ करियेन लिपस्टिक फ्रॉम नीवी आई थिंक मुझे याद नहीं ओके uh, सो okay, so मैंने वही अप्लाई किया है दिस इज अ रेड शेड ब्यूटिफुल सा एक रेड शेड था उसके ऊपर मैंने ब्लैक चेरी अप्लाई कर लिया फ्रॉम एवॉन सिवाना अल्ट्रा ब्लाश पैलेट लूँगी एंड ये जो ब्राउन शेड है उसे मैं ऐसा कॉन्टूर यूज़ करूँगी ठीक है आप यहाँ पे लाइक दिस इज़ आई वुड से इवनिंग मेकअप लुक तो ब्राउन्जर बिल्कुल अवॉइड करें आप कॉन्टूर ही यूज़ करें यहाँ पे नेक्स्ट टाइम यूजिंग इज दिस ब्राइट शेड मैंने आज कोई भी ब्लश अप्लाई नहीं किया बट आई uh, मुझे ऐसा लगा कि जो मैंने लाइक हाईलाइटर अप्लाई किया था ना वो काफ़ी लग रहा था क्योंकि आइज एज़ वेल एज़ लिप्स वेर रियली रियली डार्क डार्क वन आप देख सकते हैं एंड आई फेल्ट ऑब्वियसली अगर आप चाहो तो आप यहाँ पर ब्लश अप्लाई कर सकते हैं बट आई वुड हाई रिकमेंड कि आप बहुत ही लाइट बहुत ही लाइट आप ब्लश अप्लाई करो ठीक है ज़्यादा आप देख सकते हैं बैलेंस लग रहा है ठीक है क्योंकि मैंने फेस मेकअप बहुत ज़्यादा हैवी कुछ नहीं रखा था ठीक है बट ऑब्वियसली अगर आप चाहते हो तो आप अप्लाई कर सकते हो एंड नेक्स्ट आई हैव अप्लाइड अ लिटिल हाइलाइटर इन द इनर कॉर्नर्स एंड जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत है वहाँ पे मैंने अप्लाई किया है एंड आई डोंट नो व्हाट आई डिड विद माय हेयर मैंने थोड़ा सा उसको फ्रिजी लुक देने की कोशिश की एंड इट टर्नड आउट टू बी अ क्वाइट हॉट आई थिंक अ वेरी सेक्सी लुक अगर आप चाहो तो ऑब्वियसली आप इसे कैरी कर सकते हो किसी भी फंक्शन में अगर आपका ड्रेस का कलर रेड है तो ये तो आई थिंक बहुत ही खूबसूरत लगेगा मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा आ, फिक्सिंग स्प्रे हैं तो आप फिक्सिंग स्प्रे यूज़ कर सकते हैं मेरे पास था नहीं तो मैंने यूज़ नहीं किया आप थोड़ा सा टचअप कर लीजिए अगर आप कहीं पे जा रहे हो थोड़ा सा टचअप करेंगे तो फिर हो जाएगा दैट वॉज ऑल फॉर टू वीडियो गाइज़ आई होप इट वॉज़ हेल्पफुल बाई